नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। मेरा जो पुराना चैनल है डॉक्टर संतोष कुमार पहाड़ी, आपको पता है उसमें हम सीरीज चला रहे हैं जो इंडियन ड्रग्स के ऊपर, तो बहुत सारे मेडिसिन कवर हो चुके हैं। आज का एक इम्पॉर्टेंट जो इंडियन ड्रग है उसके बारे में बात करेंगे, नाम है सफालंड्रा इंडिका। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा घटक है जो हम कॉम्बिनेशन में बताते हैं जब भी हमने डायबिटीज़ के ऊपर वीडियो किया है, तो उसमें मैंने ज़रूर जिक्र किया है इस दवा का सफालंड्रा इंडिका, जो चार इंपॉर्टेंट घटक है सिजिजियम जामुलिनम, एब्रोमा ऑगस्टा, सफालंड्रा और जिम्नमा सिल्वेस्ट्रा। ये चार दवाओं में से इम्पॉर्टेंट एक बेहतरीन दवा है डायबिटीज़ के लिए, वो है सफालंड्रा इंडिका। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है दोस्तों जो आजकल बहुत ज़्यादा फैलाया गया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये नेचुरली डिटेक्ट नहीं होता, कोई सिम्टोमेटिकली ऐसा इतना ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं करता पब्लिक के ऊपर जितना ये क्रिएट किया जाता है। अगर आप किसी भी दूसरी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाएं तो वो लोग बोलते हैं कि आप डायबिटीज़ का चेकअप करा लीजिए, एक बार फास्टिंग हो, रैंडम हो, पीपी हो, चेकअप करा लीजिए। तो जैसे ही चेकअप कराते हैं 80-90% लोगों में थोड़ा सा बढ़ ही जाता है, और अगर बाई चांस थोड़ा सा बढ़ गया तो वहाँ पर उनको डराया जाता है कि आप डायबिटिक स्टेज या प्री डायबिटिक स्टेज में पहुँच गए हैं। और जैसे ही इस चीज़ का उनको नॉलेज आता है, उसको कानों से लेकर वो दिमाग में जाता है, तुरंत उनका जो साइकोलॉजिकल जो स्फीयर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। फिर उसके अचानक कुछ दिनों में ही वो शुगर लेवल जो है स्ट्रेस के कारण है, या फिर बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, लोग उन्हें डरा देते हैं, वो एंजाइटी, स्ट्रेस, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो उनका ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम बढ़ जाता है। ये जो शुगर बढ़ता है उसका बहुत सारा फैक्टर है, सिर्फ एक ही नहीं है कि इंसुलिन डिपेंडेंट है, नॉन डिपेंडेंट है, बहुत सारे फैक्टर हैं। तो उसके हिसाब से दवा निर्धारित किया गया है होम्योपैथिक सिस्टम में। लेकिन एलोपैथिक सिस्टम का जो कंट्रोल करने का जो टैबलेट्स है जो भी लेते हैं या फिर इंसुलिन लेते हैं इंजेक्शन में, उसके अलावा होम्योपैथिक में बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो कि तुरंत कंट्रोल में किया जा सकता है, उसको सब्स्टिट्यूट करके हम होम्योपैथिक में देते हैं। जो लोग कंटिन्यूसली उसके हैबिटेटेड हो गए हैं, उसके अभ्यस्त हो गए हैं एलोपैथिक दवाओं के, तो उसको सब्स्टिट्यूट करके उसके साथ मिलाकर हम देते हैं पहले होम्योपैथी की दवाएं। ये मदर टिंचर्स पहले हम अप्लाई करते हैं ताकि जो उसका हैबिट में परिणत हो गया है, उसका जो कंटिन्यूसली टैबलेट्स लेकर इंसुलिन का इंजेक्शन लेकर, वो छूट जाए। फिर जैसे ही वो छूटता है आहिस्ता आहिस्ता, वो हम वो मदर टिंचर के फिर डोज को कम करते हैं, फिर उसको पोटेंसी में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे उसका डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट चलता है। ठीक, मैंने कल जैसे कि बीपी के लिए जिक्र किया था, यहाँ पर भी ट्रीटमेंट ऐसे ही होता है, साइड बाय साइड एलोपैथिक और होम्योपैथिक आप ले सकते हैं, 2-3 घंटे के गैप में, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। धीरे धीरे आपको एलोपैथिक सिस्टम का ड्रग जो है उसको कम करना पड़ता है, होम्योपैथी का फिर बढ़ाकर फिर धीरे धीरे फिर कम होता है। तो ये उसका पर्टिकुलर वे ऑफ ट्रीटमेंट है। यहाँ पर सफालंड्रा इंडिका के बारे में हम जिक्र करेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट, डायबिटीज़ तो है इसको, मेलाटिस इंसिपिडस दोनों में काम करता है। शुगर क्वांटिटी आपके खून में हो या फिर यूरिन में ज़्यादा आता हो, पेशाब में ज़्यादा शुगर आता हो या फिर खून में ज़्यादा हो, तो दोनों के लिए ये इफेक्टिव है, उसको तुरंत कंट्रोल में लाता है। और डायबिटीज़ के रिलेटेड जितने भी साइड इफेक्ट है, जिसके जो सिम्टम्स है, दूसरे सिम्टम्स जैसे कि स्किन का बहुत सारे प्रॉब्लम है, कार्बंकल्स, बॉयल्स है, अब्सेस हो गया है, या फिर खुरदरा हो गया, एरप्शंस हो गया है, तो उसमें बहुत ही बढ़िया इफेक्टिव है सफालंड्रा इंडिका। उसके अलावा डायबिटीज़ का और एक लक्षण है जो कि कॉम्प्लिकेशंस के रूप में देखा जाता है, कि मुँह सूख जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, मुंह सूख जाता है, फिर अंदर अल्सर्स हो, माउथ अल्सर्स हो जाते हैं, और उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बार बार पानी पीने को मन करता है, तो उसमें भी बहुत बढ़िया इफेक्टिव रूप में काम करता है। और यूरिन की तो हमने बात कर ली है, हैवी लोडेड विथ शुगर क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा यूरिन में शुगर आता है, तो उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं सफालंड्रा इंडिका में। और पॉलीयूरिया जो कि डायबिटीज इंसिपिडस में भी आपको देखने को मिलता है, तो बार बार जो उसका यूरिन आता है, और दिन में हो, रात में हो, कंटिन्यूसली, तो उसमें भी उसको रिलीफ देता है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जो कि क्लिनिकली आते हैं, जैसे कि लीवर का प्रॉब्लम है, जॉन्डिस में भी हम अप्लाई कर सकते हैं सफालंड्रा इंडिका को, जो सेलिडोनियम है, कालमेघ, फिर उसके बाद कार्डोस मेराइनस, ऐसे दवाओं के अलावा या उसके साथ मिलाकर भी हम सफालंड्रा इंडिका को इस्तेमाल कर सकते हैं, बढ़िया काम करता है। कुछ इसके स्पेसिफिक पॉइंट है, जैसे कि सरदर्द, जो कि पोटेंसी मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मदर टिंचर में एसोसिएटेड अगर डायबिटीज़ के साथ, यूरिन के प्रॉब्लम, स्किन के प्रॉब्लम के साथ ये अटैच है, अगर हेडेक होता है, जो खास करके सन में जाते, सूरज में जाते वक्त, धूप में जाते वक्त उसको सरदर्द जो बढ़ जाता है, वो सफालंड्रा इंडिका बहुत बढ़िया काम करता है। तो आमतौर पर देखा जाए तो डायबिटीज़ के इर्द गिर्द घूमता रहता है सफालंड्रा इंडिका का जो भी सिम्टम्स है,
और बहुत ही बेहतरीन दवा है, मदर टिंचर में आप इस्तेमाल करें। अगर उम्र कम है, अगर किसी को हो गया, बच्चों को भी आजकल देखा जाता है डायबिटीज़ शिकायत रहती है, तो उनमें आप 10 बूंद दिन में 4 से 5 बार भी दे सकते हैं। जैसे ही डोज में कमी आ जाए, स्क्वायर शुगर लेवल में कमी आ जाए, आप उनका डोज कम कर देना, दिन में 2 बार या मैक्सिमम 3 बार कर सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता डोज रिड्यूस कर देना, पानी में मिलाकर दीजिएगा। बड़ों के लिए 20 बूंद दिन में 3 से 4 बार आप दे सकते हैं, कॉम्बिनेशन करके भी दे सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने डायबिटीज़ वाले वीडियो में कहा है कि सिजिजम, जिमनेमा, सफलेंड्रा, एब्रोमा अगस्टा और थोड़ा कालमेप भी मिला सकते हैं अगर लीवर का कोई प्रॉब्लम हो, तो ये कॉम्बिनेशन करके भी आप दे सकते हैं। सबको मिला लीजिए और 20 बूंद दिन में 3 से 4 बार दीजिए, देखिए फटाफट आपका डायबिटीज़ में कंट्रोल आ जाएगा। और एक बार आपका कंट्रोल में आ जाए, फिर आप एलोपैथी के जो ड्रग्स है उसको धीरे धीरे डोज उसका कम कर देना। तो इसका बहुत ही इफेक्टिव इलाज है होम्योपैथी में। आप अंधाधुन अगर कोई आपको डरा दे कि आपको डायबिटीज़ है, तो तुरंत घबराए मत जाइए, उसका बहुत बढ़िया इलाज है होम्योपैथी में, तुरंत कंट्रोल में लाता है, आपको उसका साइड इफेक्ट भी नहीं होता, ये उसका बेनिफिट पॉइंट है, इसको ज़रूर याद रखिए। तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आने वाले दिनों में आपके सामने पेश करूंगा, तो ज़रूर बने रहिए मेरे दोनों चैनल्स के साथ। पुराना जो चैनल है डॉक्टर संतोष कुमार पाढ़ी और जो नया चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल। कल हमने बीपी के लिए जो बीमारी का सीरीज चल रहा है मेरे नया चैनल में, उसमें बीपी के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है नया चैनल में डॉक्टर संतोष केयर हेल्थ केयर इंटरनेशनल, उसमें आप ज़रूर विजिट करिए। उसमें पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कैसे 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 कौन सी दवाई में आप उसको जड़ से और क्विकली कंट्रोल कर सकते हैं और जड़ से ख़त्म भी कर सकते हैं। तो उसको देखना ना भूलिए, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक हर एक वीडियो को देखिए। होम्योपैथिक से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए वीडियो को, ताकि जो भ्रम फैला हुआ है सोसाइटी में, जो लोग परेशान हो रहे हैं, उनको ज़रूर एक बार मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।